ऑलराइट दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सफर विद पॉल। और आज है शनिवार। आज ये व्लॉग की शुरुआत में कर रहा हूँ गाड़ी से, क्योंकि ये व्लॉग बनने वाली है बाई रोड। और हम कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से जयपुर टू द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम द पिंक सिटी जयपुर। तो करीब हमारे घर से 300 किलोमीटर है, तो हम 50 किलोमीटर चल के आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो करीब मान चलिए 250 किलोमीटर बचा है। ये चल रहे रोड देखिए, अभी दिल्ली में इस टाइम हम गाड़ियाँ देख सकते हैं आप लोग। और जीपीएस जो है वो दिखा रहा है हमको जयपुर पहुंचने में लग जाएगा 5 घंटा, तो करीब 6:30 बजे शाम के हम पहुंच जाएंगे जयपुर। और ये देखिए ट्रैफिक दिल्ली का, अभी तो हल्का है, वीकेंड के चक्कर में शायद हल्का है। चुके हैं नेशनल हाईवे 8, जिसे बोलते हैं NH8। ऑब्वियस बात है, आप अगर दिल्ली के अंदर चले तो जाम तो जरूर मिलेगा। तो देखिए जाम तो बहुत तगड़ा लगा है। हमारी गाड़ी चल रही है NH8 के अंदर, हम पहुंचने वाले हैं गुड़गांव। और दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर NH8 पे एंटर किया आपने दिल्ली से अगर आ रहे हैं, तो स्पीड आपकी 70 के अंदर होनी चाहिए। 70 से ऊपर चलेंगे तो आपका आ जाएगा चलान तड़ से। ये देखिए हम चल रहे हैं अभी 60 पे, वहाँ स्पीड चल रही है। दोस्तों देखिए जयपुर जा रहे थे तो आप लोगों को सोचा कि जो है भोले बाबा के दर्शन करा दीजिए। सावन का महीना वैसे ही चल रहा है, दर्शन कर लीजिए आप। जय भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले। देखिए कांवड़ियों की भीड़ लगी है, देखिए साइड से। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव, बस गुड़गांव में एंट्री हो रही है। जो ये जगह देख रहे हैं, पहले यहाँ पे टोल हुआ करता था किसी टाइम पे, लेकिन अब टोल हटा दिया गया। और ये देखिए सामने आप देख सकते हैं द लीला एम्बियंस, इसे एम्बियंस मॉल भी बोलते हैं, उसके साथ में द लीला होटल भी है। तो जो लेफ्ट से रास्ता जाता है वो चला जाता है गोल्फ कोर्स के लिए, DLF साइबर सिटी के लिए। तो हमको जयपुर जाना है तो हमने राइट वाला NH8 पकड़ के रखा हुआ है अभी भी। ये देखिए अब मतलब ट्रैफिक तो ऐसा ट्रैफिक जो है अभी तक समझ लीजिए हम पहुंच ही नहीं पाया। दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बढ़िया होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा जानने को मिलेगा कि अगर आप बाई रोड दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं तो कितने का टोल आपको देना पड़ेगा, आपकी गाड़ी की स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए, कौन से स्टेट में होकर जाएंगे, और खाने का रिव्यू तो मिलेगा, क्योंकि इतने दूर जाएंगे खाने का रिव्यू नहीं देंगे ऐसा हो नहीं सकता। चलिए बने रहिए, पूरे वीडियो देखते रहिए, इसके बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करते रहिएगा। इतनी मेहनत करें, देखिए बैक टू बैक आपके पास रेलवे ब्लॉग तो आ ही रहा है, साथ में देखिए रोड ब्लॉग्स भी आ रहे हैं। अभी आने वाले टाइम पर आपको वोल्वो ब्लॉग्स भी दिखाया जाएगा, आप देखते रहिए बस ऐसे ही। गुड़गांव चल रहा है इस टाइम, अभी गुड़गांव भी खत्म नहीं हुआ है, मैं गाड़ी चल रही है अभी भगा भाग। तो दोस्तों अपने पहले टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं, जो कि जैसे मानेसर का टोल बोलते हैं। यहाँ पे अपनी रसीद कटेगी 80 रुपए की। पहला टोल कट चुका है 80 रुपए का, जैसे मानेसर का टोल बोलते हैं।
तो दोस्तों मानेसर टोल क्रॉस कर लिया अभी हमने, अब जयपुर यहाँ से दिखा रहा है 222 किलोमीटर और। तो अभी अभी हम लोग बस गुड़गांव क्रॉस किया है समझ लीजिए, और यहाँ की स्पीड अगर हम मानेंगे तो यहाँ की स्पीड देखिए 80 है, 80 की स्पीड में आप चला सकते हैं मानेसर टोल क्रॉस करने के बाद। अभी आपको आगे की और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि और कितने टोल लगते हैं हमें जयपुर तक और कहाँ रुकते हैं हम, वही बताया जाएगा। ढाबे पर रोकना है क्या? बहुत बढ़िया बढ़िया आगे आने वाला है आने वाले टाइम पे। अभी ओल्ड राव का ढाबा मिलेगा, किंग्स का ढाबा मिलेगा, और यहाँ पे पराठे बहुत लजीज और बढ़िया मिलते हैं। मतलब पराठों का साइज एक आदमी एक पराठा आराम से खा सकता है, मक्खन वक्खन लगा के बढ़िया एकदम अचार उचोर के साथ मिलेगा आपको। तो चलिए देखते हैं कहाँ रुकते हैं, ओल्ड राव पे रुकते हैं किंग्स पे रुकते हैं, जहाँ भी रुका जाएगा आपको पूरी अपडेट दी जाएगी। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करने ना भूले, और कमेंट आप कमेंट जरूर दो कि सही पापा काम करे या तो नहीं, फिर लाइक नहीं करोगे तो पापा छोड़ देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी। दोस्तों हम अभी देखिए कितना लंबा जाम चल रहा है, करीब हम अभी भिवाड़ी के आसपास है, यहाँ से जयपुर अभी भी 210 किलोमीटर करीब बचा है, और ये देखिए हालत क्या है भाई, भयंकर जाम, जगह जगह पानी भरा पड़ा इस चक्कर में, और GPS यहाँ पे दिखा रहा है 28 मिनट का कंजेशन, मतलब 28 मिनट का टोटल जाम लगा यहाँ पे। तो देखिए कितनी देर में निकलते हैं यहाँ से, तो जैसे ही निकला जाएगा यहाँ से आपको पूरी अपडेट दी जाएगी। अब देखिए जाम में फंसे हैं, अब 28 मिनट तक तो जाम में ऐसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि GPS ने दिखा दिया तो दिखा दिया। उधर भी जाम देखिए, जो उधर से जयपुर की तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं उधर भी जाम, और दिल्ली से जो जा रही है इसमें भी जाम लगा हुआ है। गाड़ी मूविंग है, देखते हैं निकल पाते कि नहीं, लेकिन GPS देखिए बिल्कुल जो है रेड दिखा रहा है, लेकिन देखिए गाड़ी यहाँ से मूव हो रही है, तो होपफुली कि आगे जाम खुल रहा है तो पहुँच जाएंगे टाइम से। तो बारिश के टाइम पे दोस्तों यही स्थिति होती है, हाईवेज में पानी भर जाता है, लोग फिर धीरे धीरे चलाते हैं और उस चक्कर में जाम लगा रहता है। तो गाड़ी अभी चली चल रही है, देखते हैं कितनी देर में निकलते हैं यहाँ से, बाकी तो हमें जाम दिख रहा है पूरा आगे की तरफ देखिए। क्या चल रहा है, अभी भी जाम में फंसे हैं, और ये गंगा जी बह रही है यहाँ से, देख लिए कितना भयंकर पानी भरा पड़ा एकदम मामला, देख रहे हैं आप। चार दस पे आपको दिखाया था, अभी टाइम देखिए हो रहा है 5 बज रहा है, अभी हम जाम से निकले हैं, अब निकले जाम से, देख लीजिए 1 घंटा जाम में फंसे रहे, अब यहाँ पे आके जाम खाली हुआ है, अब खुला है जाम, देखिए ये देखिए टाइम हो रहा है 5। दोस्तों समझ लीजिए 1 घंटा जाम में फंसे रहे, हालत खराब हो गई, समझ लीजिए भूख लग गई है एकदम, आते जो है सूख गई है समझ लीजिए, पानी प्यास लगी है, चाय लगी है, सर में दर्द होने लग गया है 1 घंटे के बाद। अपनी लाइफ में पहली बार इतने लंबे जाम में फंसे हैं, सिर्फ थोड़ी सी जगह में पानी भरा था इस वजह से इतना लंबा जाम लगा रहा, समझ लीजिए आदमी परेशान, दुनिया परेशान, आप समझ लीजिए उसमें कोई मेडिकल केस हो तो क्या हालत होगी, तो ये स्थिति है समझ लीजिए यहाँ की। चलिए देखते हैं, अभी तो जाम खुला मिल रहा है, आगे का पोजीशन पता नहीं क्या होगा, अगर आगे भी ऐसी व्यवस्था रहेगी तो फिर जाम मिल सकता है आगे भी। कावड़िया लाइन से चल रहा है, आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट में कावड़िया चल रही है बढ़िया, और जाम खुल चुका है। सबसे पहले तो अभी ये किया जाएगा कि रुक के कहीं चाय पिया जाएगा और कुछ खाया जाएगा, भाई साहब बहुत ही तेज़ भूख लगी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ढाबे पर डायरेक्ट आपसे। अब तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे टोल प्लाजा पे, जो कि रहेगा अपना शाहजहांपुर का टोल। अब यहाँ का आइडिया नहीं है कितना कटेगा, कटने के बाद आपको बताया जाएगा, बट वी आर एंटरिंग टू टोल प्लाजा। इसमें डंडा नहीं लगा भैया, डंडा कहाँ का टोल है भैया? ये शाहजहांपुर
दोस्तों ये जो है शाहजहांपुर का टोल है, भैया ने बताया हमको। तो दोस्तों शाहजहांपुर का हमारा दो कुल अभी दो टोल कट चुके हैं, एक मानेसर पे कटा था 80 रुपए का और ये कटा हमारा 140 रुपए का। तो 140 और 80 कितने होते हैं, 220। तो कुल 220 रुपए टोल अभी तक कट चुका है हमारा। अब जाके रुकेंगे कहीं ढाबे पे, बहुत ज़रूरी हो चुका है क्योंकि सर में दर्द हो रहा है। और यहाँ से जो है ओल्ड राव का ढाबा दिखा रहा है करीब 10 मिनट का रास्ता, तो हमने सोचा सीधे ओल्ड राव का ढाबे जाके बढ़िया चाय पी जाएगी अदरक वाली और पराठे वराठे खाए जाएंगे, अपनी भूख मिटाई जाएगी। तो चलिए चलते आगे की तरफ। चल रहे देखिए पहाड़ बोर्ड में चालू हो गया, आपको अगर राइट पे देख पा रहे हैं राइट पे पहाड़ दिख रहे हैं देखिए उस तरफ, और ये हमारे लेफ्ट में देखिए दिखा है होटल हाईवे किंग 7 किलोमीटर। ओल्ड राव का खाना है जस्ट अहेड, मतलब ओल्ड राव खाना आने वाला है बिल्कुल, तो ओल्ड राव में खाएंगे, हाईवे किंग से बेटर खाना है ओल्ड राव का। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने ओल्ड राव होटल पे, ये देख सकते हो आप ओल्ड राव होटल की एंट्री, कवर्ड पार्किंग है और वो लिखा है ऊपर वेलकम, चक कर जाना ओल्ड राव का खाना 24/7। तो हम भी चकते हैं चल के फटाफट, लगी है भूख बहुत तेज। गार्ड भाई साहब गाड़ी लगवा रहे हैं हमारी, थोड़ा इस साइड लगाएंगे खुले में, वहाँ स्पेस कम है उधर लगाएंगे। यहाँ चलो जी यहाँ हम गाड़ी लगा देंगे अपनी, धन्नो ये खड़ी हो गई। तो फाइनली दोस्तों हम ओल्ड राव पहुंच चुके हैं, सर दर्द हो रहा है, प्यास लगी है, भूख लगी है, तो सब कुछ मतलब एक साथ है, तो भीषण जाम जिसे बोलते हैं उसे निकल गए हैं। चलिए फटाफट गाड़ी पार्क करते हैं, बंद करते हैं और चल के अंदर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट। तो दोस्तों अपने अपनी धन्नो जो है यहाँ खड़ी कर दी है तसल्ली से, ये भी बेचारी चली रही थी जाम में, पानी में, धूल में, गर्दा में, तो अभी तसल्ली से खड़ी। अब चल के थोड़ा सा इसको भी रेस्ट कराते हैं, हम लोग चल के रेस्ट करते हैं, अंदर चलते ओल्ड राव के अंदर। हम लोग फ्रेश फ्रेश पूरा हो चुके हैं अपना, टॉयलेट बाथरूम करके अब जाएंगे थोड़ा सा खाएंगे अंदर, अपने चलते हैं अंदर की तरफ। चलो चलो दोस्तों आपको लेके चलते हैं ओल्ड राव ढाबे के अंदर। तो दोस्तों यहाँ बैठते हैं, बैठ जाओ ये वाला चेयर पे, बैठो सीट पे, ठीक है बैठ जाओ फटाक से। दोस्तों पहली डिश तो हमारी आ चुकी है, डिश क्या पराठा देख लीजिए कितना खतरनाक पराठा है, ये देखिए मक्खन मिर्चा और ये पराठा मिक्स पराठा। तुम लोगों का क्या छोले भटूरा आ रहा है, इन लोगों का जो है छोला भटूरा आ रहा है, छोला भटूरा आ जाए फिर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट। दोस्तों हमारा इंतजार खत्म हो गया, छोला भटूरा आ ही रहा है बिल्कुल, देख सकते हैं आप गर्मा गर्म बड़े बड़े छोले भटूरे आ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, वेलकम। ये देखिए हमारा छोले भटूरा, क्यों गया क्यों गया, ओहो ध्यान लग गया, देखिए छोले भटूरे का साइज कितना बड़ा है, बताओ टेस्ट करके बताओ जरा छोले भटूरा कैसा है। हाँ चलो बताओ जरा रिव्यू, तो छोले भटूरे का देखने में तो बहुत टेस्टी है, खा के बताते हैं। हाँ खा के बताओ जरा, यहाँ का तो खाना वैसे ही बहुत टेस्टी होता है, लोग आ रहे थे। तो दोस्तों हम लोगों ने जो है हचक के पराठा छोला भटूरा चाय छाछ पेल दिया पकड़ के, अब थोड़ा सा जान में जान आई है, जाम से जो निकल के आए ना बहुत तसल्ली मिली भाई साहब, ऐसा जाम हमने लाइफ में नहीं देखा, हमने एक घंटे करीब जाम में फंसे थे, गाड़ी मूव नहीं हो रही ऐसा, तो अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी निकल रहे थोड़ा सा, यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बना है यहाँ पे ओल्ड राव में, तो अपना झूला वूला झूल रही है, तो ये जैसे झूल लेती है उसके बाद फिर निकलते हैं आगे के लिए।
ये देखिए ये झूला झूल रहे बहुत ही भयंकर लेवल पे। तो दोस्तों फाइनली जो है अपने धन्नो से बोलते हैं रेडी स्टार्ट ईस्ट एंड गो और चलते हैं जयपुर की तरफ। चल धन्नो। तो चलिए दोस्तों पेट ढचक के फुल हो गया, बैठ गए। अब कहीं नहीं रुकना है, सीधे जयपुर। आगे शायद एक टोल और पड़ेगा और शायद नहीं पड़ेगा, जैसा होगा आपको आगे अपडेट दिया जाएगा। तो चलिए निकलते हैं फटाफट, इन लोगों को भी लोड करते हैं। हो जाओ भैया लोड हो जाओ। तो चलिए दोस्तों सारे बैठ चुके हैं, अब हम ओल्ड हाउस से निकल रहे हैं। अब किसी ढाबे ढूबे में रुकेंगे नहीं क्योंकि हम लोगों को तसल्ली हो गई है, बढ़िया खा पी लिया है। अब सीधे जयपुर नॉन स्टॉप गाड़ी हमारी धन्नो सीधे रुकेगी अब जयपुर में, उससे पहले कहीं नहीं रुकेंगे भैया। और जयपुर अभी हम पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल 4-1 बजे तक जयपुर पहुंच जाएंगे। तो बस निकलते हैं अभी। चलिए दोस्तों निकलते हैं फटाफट। ओल्ड ड्राव ढाबे से हम एग्जिट ले रहे हैं, वापस आ चुके हैं NH8 के ऊपर। गाड़ी को लगा देते हैं एकदम हनुमान गियर पे। दोस्तों देखिए उधर गाड़ी लग चुकी है हनुमान गियर में और चल रहे बहुत बड़े लेवल पे एकदम। दोस्तों देखिए अब अभी भी हमको जो है लग जाएगा 2 घंटे 35 मिनट, तो अब दिखा रहा है करीब 9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे जयपुर अगर कहीं नहीं रुके तो। रुकेंगे तो भी और टाइम लग जाएगा। तो अभी इस समय हम लोग आए हुए हैं, करीब 100 किलोमीटर की जर्नी तय करी हमने सर, 150 किलोमीटर अभी भी GPS दिखा रहा है। चलिए देखते हैं कितने बजे तक अपनी जर्नी कम्प्लीट करते हैं, आपको बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है, अभी हम निकले ही थे ओल्ड राव से तो सूरज ढल चुका है आप देख सकते हैं और इंद्र देवता निकल चुके हैं और बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है। अब देखिए कितनी खतरनाक बारिश हो रही है। इस बारिश के बीच में हमारी धन्नो चली जा रही है एकदम जयपुर की तरफ। तो दोस्तों करीब बज चुके हैं समय 7:45 और हम अपने तीसरे टोल प्लाजा पे आ चुके हैं जो कि राजस्थान के एंट्री पे पड़ता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नो टेक्स्टिंग वाइल्ड ड्राइविंग देखिए लिखा है। दोस्तों ये देखिए हमारी बारी आ चुकी है, ये देखिए खुल गया तड़ से और अब निकल गया और ये लास्ट टोल है, उसके बाद कोई टोल नहीं पड़ेगा। बाकी हमारा जो जयपुर दिखा रहा है वो एक घंटा और लग जाएगा करीब। नेशनल हाईवे 48 फॉर 9 किलोमीटर्स, तो मैडम ने बोल दिया 9 किलोमीटर और कंटिन्यू करना है, तो हम पहुंच जाएंगे जयपुर करीब मान के चलिए आप 9 बजे। चलिए आपको सीधे जयपुर चल के मिलते हैं डायरेक्ट, अभी अंधेरा हो चुका है वैसे भी कुछ देखने को मिलेगा नहीं, तो आपको सीधे जयपुर चल के मिलते हैं फटाक से। हमारी गाड़ी चल रही देखिए विद इन द स्पीड लिमिट चल रही, देखिए ज़्यादा तेज नहीं चलाते हम बिल्कुल भी, 70 में। ये लोग सब बैठे यहाँ पे बढ़िया मजे कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों फाइनली हम जो है जयपुर सिटी में एंटर कर चुके हैं। करीब हम लोग को लग गया 6 घंटा मान के चलिए लग गया हमें दिल्ली से जयपुर आने में। तो अभी जल रहा है सिटी बस, तो हम लोग का जर्नी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो मेरी सिस्टर रहती है तो उसके यहाँ जा रहे हैं, बाकी आप हमें बताइएगा जरूर ये जर्नी आपको कैसी लगी दिल्ली से जयपुर बाय रोड। और ट्रेन वाली जर्नी आपको ज़्यादा बढ़िया लगती है ट्रेन व्लॉग्स की रोड व्लॉग्स कार व्लॉग्स बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सफ़र विद पॉल, मिलते हैं आपसे जल्दी नए ट्रेन व्लॉग के साथ और वो ट्रेन व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, आप बने रहिए हमारे साथ, पूरी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सफ़र विद पॉल।